नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायत के चौपाले से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं, ऐलान हो गया है नगर निकाय चुनाव का, 10 और 20 अक्टूबर को हो सकती है वोटिंग। आयोग ने तय कर दिया है मतदान दल को सामग्री उपलब्ध कराने की तिथि। चुनाव आयोग ने तय कर दिया है मतदान दल को सामग्री उपलब्ध कराने की तिथि। और इधर सितंबर से पहले सप्ताह में घोषणा संभावित। पहले चरण के लिए 8 अक्टूबर को और दूसरे चरण के लिए 18 अक्टूबर को मतदान सामग्री देने का निर्देश। अधिसूचना के पहले आई सामग्री उपलब्ध कराने की तिथि और ईवीएम की कमीशनिंग के लिए तिथि निर्धारित कर दिया गया है। ईवीएम के कमीशनिंग के लिए उसको ले जाने के लिए तिथि निर्धारित कर दिया गया है। मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग 30 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी। पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद के लिए रंगीन बैलेट पेपर होंगे। और तो नगर निकाय चुनाव के लिए जो रोक लग गया था आरक्षण के मुद्दे पर, तिथियों की अब घोषणा हो चुकी है। 10 और 20 अक्टूबर को हो सकती है वोटिंग। इसके लिए पूरा जमा कर दिया गया शेड्यूल और निर्देश दे दिया गया है। प्रशिक्षण का शेड्यूल जारी हो गया है। मतदान पत्र सहित अन्य चीज उपलब्ध कराने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इधर झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि हेमंत की विधायकी पर राज्यपाल निर्वाचन आयोग को भेजेंगे फैसला, वहीं से जारी होगी अधिसूचना। डायरेक्ट राज्यपाल जो है सो उनको बर्खास्त नहीं कर पाएंगे, अपना वो अधिसूचना भेजेंगे, सिफारिश भेजेंगे। उस सिफारिश के बाद चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को छीन सकता है। लाभ के पद का मामला था। आयोग की राय मिलने के दूसरे दिन भी राजभवन से आदेश जारी नहीं किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज हेमंत सोरेन अपने आवास पर सभी सहयोगी विधायकों की बैठक बुलाई है। हालांकि जाते जाते हेमंत सोरेन ने जाति कार्ड खेल दिया है। इसमें कहा है कि हम आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, कभी झुकेंगे नहीं, पुष्पा के स्टाइल में उन्होंने कहा है। लेकिन वो आदिवासी हैं, लेकिन लोग सवाल यह उठा रहे हैं कि उनके आदिवासी रहते हुए जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उनके जितने सहयोगी हैं, सारे का आकूत संपत्ति निकल रही है, सारे के सारे गैर आदिवासी हैं। इसका मतलब कि उन्होंने फायदा गैर आदिवासियों को पहुंचाया और जब मुसीबत आई तो उन्हें अपनी जाति और समुदाय याद आने लगा। वहीं शेखपुरा में जदयू नेता व पुत्र हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए। जी, जदयू के नेता और उनके पुत्र दोनों हथियार तस्कर थे, गिरफ्तार हो गए, कार्रवाई हुई है। अपराधियों को बेचते थे पूर्व मुखिया भी थे और हथियार बेचते थे। 14 देसी कट्टे और 127 जिंदा कारतूस उनके पास से बरामद हुआ है। शेखपुरा पुलिस ने यह कार्रवाई की है, हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। और हम बता दें कि कुसुम्बा ओपी के बरैया बिघा गांव में कुसुम्बा पंचायत के पूर्व मुखिया व जदयू नेता कौशलेंद्र कुमार के घर में छापेमारी की थी। और वहीं नगर निकायों के कर्मी आज से हड़ताल पर, ठप होगी सफाई, राज्य भर के 50,000 कर्मी करेंगे हड़ताल। और वहीं खबर आ रही है वार्ड सदस्यों के लिए, पूर्व वार्ड सदस्यों के लिए बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं कही जाएगी, क्योंकि उनका पुराना फाइल खुल चुका है। जो जांच हो रही है उसकी जांच रिपोर्ट जमा हो रहा है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। ताजा मामले में नल जल योजना में गड़बड़ी और 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी के कारण पूर्व वार्ड सदस्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह मामला आ रहा है औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर थाना क्षेत्र से। दाऊद नगर पुलिस ने 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना के कार्यों में त्रुटिपूर्ण कार्य कराने के आरोप में तरारी पंचायत के तरारी गांव से वार्ड संख्या 13 के पूर्व वार्ड सदस्य रामकिशोर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार
कर लिया है। वे तरारी गांव के रहने वाले हैं। यह कार्रवाई दाऊद नगर थाना के सब इंस्पेक्टर गिरेंद्र कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर किया है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा उनके खिलाफ दाऊद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तो देखिए, अब जो पुराने वार्ड सदस्य हैं, जो नल जल योजना कहा जा रहा है कि बहुत गड़बड़ काम हुआ है, सात निश्चय योजना में गड़बड़ काम हुआ है, खैर अभी सत्ता में राजद है, जब राजद विपक्ष में थी तो यह मुद्दा उठाती थी और राजद यह हमेशा आरोप लगाते आया है कि नल जल योजना सबसे फेल योजना है, इस योजना में सिर्फ लूट हुई है। लेकिन अब राजद भी सत्ता में है, लेकिन जो आपको बता दें कि जांच चल रही है, उस जांच में अब कार्रवाई वार्ड सदस्यों पर हो रही है, वार्ड सचिवों पर कार्रवाई हो रही है और यह कार्रवाई अब लगातार लगता है कि जारी रहेगा। हालांकि कई वार्ड सदस्यों पर गड़बड़ी के लेकर केस दर्ज किया गया है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके पंचायत में, आपके जानकारी में किसी वार्ड सदस्य पर केस दर्ज हुआ है कि नहीं दर्ज हुआ है, और आपके यहाँ नल जल योजना का कार्य कैसा हुआ है, संतोषजनक है कि नहीं है, कि उसमें गड़बड़ी की गई है। हालांकि दूसरी तरफ यह है कि सिर्फ वार्ड सदस्यों को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। वार्ड सदस्य तो सिर्फ मोहरा बनकर रह गए, वार्ड सचिव तो मोहरा बनकर रह गए हैं। सारी की सारी गड़बड़ी यहाँ के अफसरों से के मिली भगत से मुखिया जी भी मलाई खाए हैं और अफसरों ने भी बिना कमीशन का चेक नहीं काटा है। इस पर सिर्फ वार्ड सदस्य पर कार्रवाई होना थोड़ा सा गलत लगता है, इसलिए वार्ड सदस्यों के साथ साथ जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, सीतामढ़ी की धरती महत्वपूर्ण है, सभापति और उपसभापति दोनों यहाँ से हैं। तेजस्वी ने पूर्वे को अभिभावक बताया तो पूर्वे ने संबोधन में तेजस्वी को भाई कहा। जी हाँ, पूर्वे तेजस्वी को भाई कहा। पूर्वे बोले, जन नायक का आशीर्वाद और लालू का विश्वास मिला है। और वहीं राहुल गांधी पर मान हानि के मुकदमे में सुशील मोदी ने दी गवाही। सारे मोदी चोर हैं वाले बयान पर हुआ था केस। जी हां, जब नीरव मोदी पैसा लेकर भागा था तो राहुल गांधी ने बोला था कि सारे के सारे मोदी चोर हैं, तो मोदी टाइटल वाले उन पर मान हानि का केस कर दिया था, जिसमें सुशील मोदी की गवाही हुई है। जदयू की उल्टी गिनती शुरू, बेटे को कभी भी बना सकते हैं सीएम लालू। सुशील मोदी ने बयान दिया है कि जदयू की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लालू यादव कभी भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो गुलाम नबी आजाद हो गए हैं। जी, गुलाम कांग्रेस से अब आजाद हो गए हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है। कहा, राहुल अपरिपक्व हैं, सोनिया नाम की अध्यक्ष हैं, जरूरी फैसले राहुल या उनके सुरक्षा कर्मी ले रहे हैं। आजाद के समर्थन में 7 इस्तीफे दिए हैं, भाजपा को फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर से कई पूर्व विधायक और बड़े नेता, कांग्रेस के 7 नेता साथ में ही इस्तीफा दे दिए हैं। और कटिहार से खबर आ रही है कि रील्स बनाने के चक्कर में राजधानी एक्सप्रेस के नीचे आए 2 युवा टुकड़े टुकड़े हो गए। रील्स अपलोड उन्होंने कर दिया था, 2 रील्स अपलोड कर दिया था, लेकिन कुछ ही देर में तीसरा रील्स जब बना रहे थे, राजधानी एक्सप्रेस आ गई और उनको एक बच्चे का दर्जनों टुकड़े हो गए, जबकि दूसरा का सर में चोट लगा है और उसकी मौत वहीं पर हो गई। इसलिए दर्शकों से कहेंगे, अपने अभिभावक से कहेंगे, बच्चों के हाथ में मोबाइल दीजिए, अगर वह इस तरह का काम सेल्फी लेने के लिए किसी भी खतरनाक जगह पर नहीं जाए, रील्स बनाने के लिए किसी खतरनाक जगह पर नहीं जाए। और वहीं भाकपा के राष्ट्रीय सचिव बोले, भाकपा राज्य सम्मेलन 18 से 21 सितंबर तक बांका के धोरैया में होगा। अनजान बोले, भाजपा के अश्वमेघ का घोड़ा बिहार ने रोका, इसमें राष्ट्रव्यापी संदेश, भाजपा नेताओं की संपत्ति की जांच हो। और वहीं एक खबर पंचायती राज विभाग से आ रही है कि पंचायती राज विभाग जो भी पुराने ड्यूज है, जो भी अभी तक नए काम कर दिए हैं मुखिया जी नए चुने हुए, उसकी
भुगतान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है। मुखिया जी का जो डोंगल है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि 2 दिन के लिए जिला में जांच के लिए जाएगा, उस जांच के बाद मुखिया जी अपने डोंगल से जो भी कार्य कराए हैं, जो भी नया कार्य कराए हैं उसका भुगतान कर सकेंगे। वहीं वार्ड सदस्यों सरपंच के लिए अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आने के कारण उनमें मायूसी है और आक्रोश भी है। हालांकि विभागीय सूत्रों का मानना है कि नया मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसके तहत ग्राम कचहरियों को और स्वायत्तता दी जाएगी और वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति को भी अधिकारों में उसके बढ़ोतरी की जाएगी और उनके लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। हालांकि देखिए आगे आगे होता क्या है। और इधर सदन को सशक्त बनाने का प्रयास करूंगा, अवध बिहारी ने नए विधानसभा अध्यक्ष बनते ही कहा है और विधानसभा निर्वाचित अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष ने आसन पर बिठाया। अध्यक्ष बोले उम्मीद है सरकार अपनी जवाबदेही निभाती रहेगी। और इधर यूयू ललित आज CGI बन गए हैं, राष्ट्रपति मुर्मू उनकी शपथ दिलवाई है। और इधर शिक्षा रोजगार की बात करें तो जेईई एडवांस कल होगा, बिहार के 15,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कहने का मतलब है कि जेईई एडवांस जो कि परीक्षा जो है 28 अगस्त को होगी और इसमें 15,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। IIT बॉम्बे की ओर से हो रहा है जेईई एडवांस की परीक्षा। और इधर PU में PG मतलब पटना यूनिवर्सिटी में PG के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर को और इंजीनियरिंग कॉलेजों में काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से मतलब 27 अगस्त से जेईई मेन का स्कोर होगा आधार। और इधर चीन को पछाड़ कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच का मार्केट बना अपना देश प्यारा भारत। और पूर्व डिप्टी मेयर के घर से 28 लाख रुपए और 4 क्विंटल सोना चांदी बरामद किया गया है गुंडा बैंक। आयकर विभाग की टीम ने तीसरे दिन 5 ठिकानों पर की छापेमारी और यह गुंडा बैंक में संलिप्त कारोबारी की दुकानों और घरों में पर आयकर विभाग की छापेमारी शुक्रवार के तीसरे दिन भी जारी रही है। जी हाँ, यह भागलपुर की घटना है, भागलपुर में जारी है छापेमारी और गुंडा बैंक चलाने वाले व्यवसायी के घर से भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। अमेरिका में भेदभाव, यूक्रेनियों का आसान विषय, अफगानी भटक रहे हैं। जी हाँ, ये जो गोरे होते हैं ना, यह भेदभाव करते हैं। अफगानियों को वीसा देने में उनको तरह तरह के अड़ंगा लगा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन वासियों को तुरंत वीसा दे रहे हैं क्योंकि वह गोरे हैं, उनकी आंखें नीली है, इसलिए उनके साथ नरमी से पेश आते हैं, उन्हें सुविधाएं देते हैं। जबकि अफगानिस्तान में अमेरिका इतना दिनों तक शोषण किया, इन्हीं अमेरिकियों के चलते ही उनकी जान आफत में है, लेकिन उनको वीसा नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था, जो आपको अपडेट रखने के लिए जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।